नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ललित उपाध्याय आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे हाथी मेरे साथी की। जी हां, वही हाथी जो 1971 में जो, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर आता रहे। हाथी की प्रजाति संकट में है और इसका कारण है पर्यावरणीय बदलाव। कटते हुए जंगल और जंगल में रहने वाले हाथी आजकल परेशान हैं। हाथी मेरे साथी फिल्म में एक गाना था जिसको आपने और हमने खूब गुनगुनाया है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ये फिल्म उस हाथी की मौत पर फिल्माई गई जिसको आप हमने आँखों से अश्रु बहाते हुए देखा। आज इन्हीं हाथियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथी विशालकाय शाकाहारी जानवर है और ये वजन उठाने, भारी सामान उठाने कार्य बहुत करते हैं। प्राचीन समय में ये राजा महाराजाओं की सेनाओं में हुआ करते थे। एशियाई सभ्यता में हाथी को बुद्धिमान जानवर के रूप में संज्ञा दी गई है। इनकी शक्ति और बुद्धिमानी काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी बुद्धिमानी डॉल्फिन और वन मानुष के समान है। हाथी लगभग 100 वर्ष से भी अधिक की आयु जीने वाला प्राणी है। हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है। जो हाथी जब जन्म के समय बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन 104 किलोग्राम होता है। हाथी के बच्चे को कलब या काफ कहते हैं। हाथी की सूंड हाथी का शोभा को बढ़ाती है। वो चेतावनी देने, अपने मित्र और शत्रु को सूंघने के लिए काम आती है। हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल कई कार्यों जैसे छोटी छोटी अपनी आँखों की सफाई करने के लिए करता है। हाथी की अगर भोजन की बात करें, उनके पसंदीदा भोजन कौन से हैं, विशेष रूप से झाड़ियों के पेड़ की छाल हाथी ज़्यादातर खाते हैं, जंगली फल टहनियाँ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हाथियों को जंगल में खाद्य के रूप में घास बहुत पसंद है। अब जानते हैं कि हाथी कितने घंटे सोता है। जी हाँ, नींद बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मानव के लिए नींद जरूरी है, वैसे हाथियों के लिए भी नींद जरूरी है। चिड़ियाघर में हाथी रोजाना 4 से 6 घंटे सोते हैं। अब एक रोचक बात जो अक्सर कहा जाता है कि एक हाथी को चींटी छोटी सी डरा सकती है, क्या यह बात सही है? तो इस रोचक बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। निश्चित रूप से ऐसी कहावतों में कहा गया है कि हाथी चींटी से बहुत डरते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक पूर्वी अफ्रीका में बबूल और कीकर के पेड़ों पर रह रही चींटियों के डर के कारण हाथी उन पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो इससे कहा जा सकता है कि चींटियों से हाथी डरते हैं। अब एक रोचक जानकारी। आज तक दर्ज किया गया सबसे विशाल हाथी सन 1955 में अंगोला में मारा गया था। इस नर का वजन लगभग 10,900 किलोग्राम था। और इन प्रजातियों को बचाने के लिए हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम हाथियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कार्य करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त और जल्द ही मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ अगली वीडियो में। आप इसी तरह का प्यार देते रहें और आपके साथ हम इसी तरह नए नए मुद्दों को लाते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।